हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 4 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो डीएमसीआरसी के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं, ये हैं जस्टिस विक्रमजीत सेन। और वैसे ये रिटायर हो चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे विक्रमजीत सेन, इनको अभी हाल ही में डीएमसीआरसी के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आईबीएफ, आईबीएफ का मतलब है इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फॉर्मेशन, इसका नाम बदल के इसको आईबीडीएफ कर दिया गया है। अब इसको बोला जाता है इंडिया ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। तो ये जो इंडिया ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन है, उसी को चलाने के लिए डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल बनाई गई है। इसका मेन काम क्या होगा इस काउंसिल का? भारत में आने वाले जितने भी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड हैं, उन सभी को अप्लाई करना। कहने का मतलब 2021 में एक कानून अभी हाल ही में बना दिया गया है इसी के तहत, जिसको बोला गया है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ये जो रूल है बेसिकली, ये भारतीय सिनेमा के लिए अप्लाई किया जाएगा। मतलब कहने का कि किस तरीके का कंटेंट आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर सकते हो। इसी के तहत आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ये सब आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। तो इन सभी के लिए एक तरीके से गाइडलाइन बनाई गई है, और उस गाइडलाइन को अप्लाई करने के लिए डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल बनाई गई है। और इस काउंसिल के चेयरपर्सन बनाए गए हैं जस्टिस विक्रमजीत सेन। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिए, आईबीएफ जिसको बोलते हैं इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है के माधवन। क्या नाम है? के माधवन। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पीसीएस जैसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये जो डीएमसीआरसी है, ये किस तरीके की बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। कैसी? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो कि खुद के मानक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारत की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन किया है? तो भारत सरकार की जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है, जिसका मेन मकसद ये है कि एक ही तरीके की समान क्वालिटी सर्विस पूरे भारत भर के लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो इसको ज्वाइन करने वाली पहली स्टैंडर्ड बॉडी बन गई है आरडीएसओ। यहाँ पर आरडीएसओ को बोलते हैं रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? ये एक ऐसी संस्था है जो कि इंडियन रेलवे के लिए मानक तैयार करती है। मतलब भारतीय रेलवे के मानक क्या क्या होंगे, किन किन पैरामीटर्स पर चलेगी रेलवे, तो उनको डिजाइन किया जाता है आरडीएसओ के द्वारा। हर क्षेत्र में इसी तरीके की स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बट अभी वो एक अलग बात है कि भारत सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को किसी ने भी नहीं ज्वाइन किया है, और आरडीएसओ पहली ऐसी संस्था बन गई है जिसने इसको ज्वाइन किया है। आरडीएसओ की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1921 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, और इसके डायरेक्टर जनरल है वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिपोर्टेड H1N3 इज अ स्ट्रेन ऑफ विच डिजीज। अभी हाल ही में जिसका नाम रखा गया है H1N3, तो ये जो H1N3 है, ये एक स्ट्रेन है कौन सी बीमारी का? ये बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है, जो कि अभी हाल ही में रिपोर्ट किया गया है एक 41 साल के व्यक्ति के ऊपर। तो एक 41 साल के व्यक्ति की जांच करी गई, उसके तहत पाया गया कि H1N3 एक स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का, जो कि आने वाले टाइम में महामारी बन सकता है। और इसको रिपोर्ट किसने किया है? इसको चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये जो स्ट्रेन मिला हुआ है, इस स्ट्रेन के तहत ये पता लगाया गया है कि ये काफी माइल्ड स्तर का बर्ड फ्लू स्ट्रेन है, बहुत ज्यादा सेवियर नहीं है, बहुत ज्यादा घातक नहीं है। बट हाँ, अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो घातक बन भी सकता है ये। तो ध्यान रखिएगा H1N3 मीन्स इट इज अ स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट लॉन्च करी है जिसका नाम है इकोवैप? इकोवैप नाम की इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी करी गई है। मैंने आपको परसों के करंट अफेयर में बताया था
कि एसबीआई के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ 2022 के लिए भारत की कितनी प्रिडिक्ट करी गई है? एसबीआई ने 7.9% प्रिडिक्शन दिया है 2022 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का। एसबीआई ने पहले 10.4% प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से मार्केट के स्लो डाउन को देखते हुए यह प्रिडिक्शन अब काफी नीचे आ चुका है, 7.9% केवल घट के रह चुका है। तो जो मैंने आपको 2 दिन पहले ये प्रिडिक्शन बताया था, यहाँ पर उसी की बात हो रही है, उसी रिपोर्ट का नाम है इकोवैप। तो क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला तो ये कि एसबीआई ने कितना इकोनॉमिक ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है 2022 के लिए, तो आंसर होगा आपका 7.9%। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि इकोवैप किसकी रिपोर्ट है, तो ध्यान रखिएगा ये एसबीआई की ही रिपोर्ट है। एसबीआई की स्थापना करी गई थी 1955 में, पीएनबी की स्थापना 1894 में करी गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में करी गई। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, बीओबी का हेडक्वार्टर है वडोदरा, पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव, बीओबी के मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव चड्ढा और कैनरा बैंक के चेयरपर्सन है इस टाइम पे एलवी प्रभाकर। क्या नाम है? एलवी प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लॉन्च करी गई है किसानों के लिए पूरे वर्ल्ड में? तो ये कंपनी है इफको। इफको के द्वारा लॉन्च किया गया आज तक का पहली बार नैनो यूरिया किसानों के लिए। अब समझिए नैनो यूरिया है क्या। ये बेसिकली एक लिक्विड है, द्रव्य है, जिसकी कुछ बूंदे आप डालोगे और आपके पूरे खेत में ये यूरिया का काम करेगा। मतलब कहने का इसकी खास बात यह है कि ये मिट्टी के मिनरल्स और पानी से मिलकर फैलती चली जाती है आपकी जमीन पर। तो ये इसकी खास बात है, मतलब बहुत कम बूंदे इसकी आपको यूज करनी है और ज्यादा से ज्यादा एरिया ये आपका कवर करेगी। सो दैट इज कॉल्ड नैनो यूरिया, जो कि इफको के द्वारा लॉन्च करी गई है। दूसरी इसकी एक खास बात पता है क्या है, ये 10% सस्ती है पुरानी वाली यूरिया से। पहले जो एक बैग आता था पूरा सूखी वाली यूरिया का, उससे ये 10% चीपर है। और इसकी जो 500 ml की बॉटल है, ये आ रही है 240 रुपए की अभी मार्केट में। तो इफको की अगर बात करें तो इफको की स्थापना 1967 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इफको को कोई प्राइवेट संस्था मत समझिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। क्या बोलते हैं? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। और इसके चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है? इनका नाम है बीएस नकाई। क्या नाम है? बीएस नकाई। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड मेडलाइफ एंड बिकेम द इंडियाज लार्जेस्ट ई फार्मा कंपनी? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में मेडलाइफ को खरीद लिया और इसी के साथ ये भारत की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी बन गई। ये कंपनी है फार्मीजी। तो फार्मीजी ने मेडलाइफ को अभी हाल ही में खरीद लिया। ये दोनों बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के, लेकिन अब मेडलाइफ फार्मीजी के तहत ही काम करेगी। ये दोनों कॉम्पिटिटर इसलिए थे अपनी रेपो को देखते हुए भी, और दूसरा एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि फार्मीजी की स्थापना भी 2014 में करी गई थी और मेडलाइफ की भी स्थापना 2014 में करी गई थी। तो दोनों कंपनियां एक साथ जिनका जन्म हुआ था 2014 में, या एक साथ जिनकी स्थापना करी गई थी, तो जाहिर सी बात है और मार्केट में दोनों की रेपो भी लगभग एक जैसी, इस वजह से दोनों बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे और इसकी वजह से शेयर मार्केट में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है फार्मीजी ने मेडलाइफ को खरीद लिया है। और फार्मीजी की बात करें तो ये ऑनलाइन फार्मेसी एंड मेडिकल स्टोर्स चलाते हैं, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है ई फार्मा कंपनी बन गई है। ध्यान रखिएगा फिजिकल फार्मा कंपनी सबसे बड़ी नहीं है, ई फार्मा कंपनी मतलब जो वेबसाइट्स के ऊपर सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सर्विस है, वो बन गई है फार्म इजी। अब फार्म इजी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और मेड लाइफ का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेंट्रे ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अभी हाल ही में सेंट्रे फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की जारी करी गई है, इसमें भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहा? मतलब कहने का भारत में नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन सा रहा? तो भारत में नंबर वन इंस्टीट्यूट रहा IIM अहमदाबाद, और नंबर दो पर भारत में रहा IISc बेंगलोर, और नंबर तीन पर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये तो भारत की रैंकिंग की बात हो गई, लेकिन अगर बात करी जाए पूरे वर्ल्ड में तो ध्यान रखिएगा IIM अहमदाबाद को जो रैंकिंग मिली है ये 415वीं रैंकिंग मिली है, और IISc बेंगलोर को 462वीं रैंकिंग मिली है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि भारत में तीसरे नंबर पर है, ये दुनिया में 544वें नंबर की यूनिवर्सिटी है। अब देखो इसी के तहत आपसे ये भी पूछ सकता है
सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किसने किया? तो नंबर वन पे रही अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर दो पर अमेरिका की एमआईटी रही, और नंबर तीन पर भी अमेरिका की सेंट फोर्ड यूनिवर्सिटी रही। नंबर चार और पांच पे ब्रिटेन की दोनों यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। एक बार यहां पर भी देख लीजिए कि भारत की टॉप फाइव रैंक कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। नंबर वन पे तो आप सभी को पता ही है, ये आईआईएम अहमदाबाद हो गया। नंबर दो पर आईआईएससी बेंगलोर, ये भी अभी मैंने आपको बता दिया। नंबर तीन पर डीयू हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नंबर चार पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया, और नंबर पांच पे आईआईटी मद्रास। अब इसी के तहत एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है, अब ऐसे ही क्वेश्चन अंदर के अंदर जाके बनाता चला जाएगा आपसे, मतलब आपको अगर फंसाने की कोशिश करेगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हुआ है। लाइक आपसे पूछ देगा कि इस बार की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा आईआईटी नंबर वन पे रहा, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा उस टाइम पे। ध्यान रखिएगा, अगर आईआईटी देखोगे तो आईआईटी रहा आईआईटी मद्रास नंबर वन पे, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करनी है। और अहमदाबाद की आपको वर्ल्ड में भी रैंकिंग ध्यान रखनी है, 415वीं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड सतत स्कीम, अभी हाल ही में सतत स्कीम किसके द्वारा जारी करी गई? सतत स्कीम को लॉन्च किया है पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस मिनिस्टर्स धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अब यहाँ पर सतत का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। समझिए सतत स्कीम का मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटो है कि भारत भर में सीवीजी प्लांट की स्थापना करना। सीवीजी प्लांट का मतलब क्या है? सीबीजी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो पूरे भारत भर में बायोगैस प्लांट की स्थापना करना सतत स्कीम का मेन मोटो है। इसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया गया है कल के दिन, इस पोर्टल का नाम है सतत डॉट को डॉट इन। अगला क्वेश्चन है, और यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, कैबिनेट मिनिस्टर जरूर ध्यान रखिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आप सभी को। लास्ट ईयर भी कई सारे मिनिस्टर्स आपसे पूछे थे, आपसे लाइक पूछ दिया था केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। कैबिनेट जरूर ध्यान रखिए वरना समस्या हो जाएगी। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी के पास एमएसएमई है, और साथ में रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है। स्मृति ईरानी के पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और साथ में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है, और प्रकाश जावड़ेकर के पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की 2021 की जो मीटिंग है, इसको होस्ट किया गया कौन से देश के द्वारा? इसको होस्ट किया इस बार भारत ने, तो इंडिया इज द राइट आंसर। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आपको पता है पहले ये ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, ये ब्रिक हुआ करता था। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी ब्रिक की। अब यहां पर ब्रिक का मतलब है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। लेकिन 2010 में आते आते ये ब्रिक्स बन गया। क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया, मतलब एस इसमें जुड़ गया। एस का मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया, तब से ये ब्रिक्स कहलाने लगा। तभी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक की स्थापना कब करी गई, तो आंसर होगा 2006। अगर बोला जाए ब्रिक्स की स्थापना कब करी गई, तो आंसर होगा 2010। उसके बाद 2014 में ब्रिक्स के द्वारा, मतलब इन पांचों देशों के द्वारा मिलकर अपना एक नया बैंक खोला गया, और इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का हेडक्वार्टर बनाया गया शंघाई। क्या बनाया गया? शंघाई। इस बैंक को इस मकसद से बनाया गया था कि ये बैंक जब भी इन पांचों देशों में से किसी को प्रॉब्लम होगी तो ये बैंक बैक सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा। और यही हुआ 2020 में। अभी पिछले साल जब कोविड पैंडेमिक आया तो एनडीबी के द्वारा पांचों देशों को एक एक बिलियन डॉलर दिए गए, मतलब टोटल 5 बिलियन डॉलर दिए गए थे कोविड पैंडेमिक के तहत एनडीबी के द्वारा। तो ये हिस्ट्री है ब्रिक्स की, ध्यान रखनी है आपको। और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, भारत की नई दिल्ली, चाइना की कैपिटल बीजिंग, और रशिया की कैपिटल मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज साइंड एमओयू विद माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सी भारतीय इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पैक्ट साइन किया है? यह है आईसीआईसीआई लुम्बार्ड। आईसीआईसीआई लुम्बार्ड के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ पैक्ट साइन करने का मेन मोटो क्या है, समझो। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम करता है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको जाहिर सी बात है क्लेम देती है, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया होता है। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। लेकिन कई बार यहाँ पे फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं, लाइक कोई झूठा केस दर्ज कर देता है, तो उस केस में आजकल कॉल स्पूफिंग बहुत हो रही है, मतलब आवाज बदल के बात करना, ओके। या फिर कई बार जो फ्रंट पर्सन, जो हमारे बैक सपोर्ट में कॉल सेंटर में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं,
वो ये समझ नहीं पाते कि जब इंक्वायरी कॉलिंग चल रही होती है तो जो व्यक्ति सामने बैठा हुआ अपना केस बता रहा है उसके बैकएंड पर भी साथ में कोई बैठा हुआ है और वो उसे निर्देश दे रहा है, वो वैसे ही बताता चला जा रहा है। ये सारी चीजें, वो वॉइस तो आ रही होती है लेकिन ये व्यक्ति सुन नहीं पाता उसे ठीक से। तो अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर तैयार करेगा माइक्रोसॉफ्ट, एक पूरा इंटरफेस तैयार करेगा जिसके एक नहीं अनेक काम होंगे। ये पहली फैसिलिटी तो देगा आपको टेक्स्ट टू स्पीच फैसिलिटी, मतलब कहने का कि ऐसे लोग जो कि बोल नहीं सकते मान लीजिए, ठीक है, अगर उनको कोई इंश्योरेंस क्लेम करना है तो वो क्या करेंगे, वो अपने मोबाइल पे इनके इंटरफेस पे जाके केवल लिखेंगे और वो सीधे जाके वॉइस कॉलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला तो ये फीचर होगा। दूसरा फीचर होगा स्पीकर रिकॉग्निशन, जैसे एक बार जिस व्यक्ति से बात हो चुकी है उस पर्टिकुलर क्वेरी पर, दोबारा अगर कोई और व्यक्ति उसकी जगह बात करने की कोशिश करेगा तो ये एल्गोरिदम तुरंत पहचान लेगी उसकी आवाज और उसको नेगेटिव दे देगी। और तीसरा जो यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है वो स्पीच स्पूफ डिटेक्टर का है, अगर कोई स्पूफ करने की कोशिश करेगा तो भी ये मशीन पकड़ लेगी। इस वजह से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक तरीके से बोल सकते हो आप फ्रॉडलेंट को कम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पैक्ट साइन किया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके इस टाइम पे सीईओ है भार्गव दास गुप्ता। क्या नाम है? भार्गव दास गुप्ता। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार। अब समझिए यहाँ पर कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिशन है क्या। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 गांव सिलेक्ट किए जाएंगे और ये 3 बेस्ट गांव ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही हैं वो सभी स्कीमें उस गांव में होनी चाहिए और साथ में वो गांव कोविड के तहत सबसे ज्यादा साफ होना चाहिए और वहां के लोग सैनिटाइजेशन का ध्यान रखने चाहिए। इस आधार पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप 3 विलेजेस चुने जाएंगे। जो नंबर 1 विलेज होगा उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, नंबर 2 पर जो विलेज होगा उसको 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी और नंबर 3 पर जो विलेज होगा उसको 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने एक मानक तैयार किए हैं, उन मानकों के ऊपर देखा जाएगा कि कौन सा गांव खरा उतर रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट से 3-3 गांव सेलेक्ट किए जाएंगे। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है गवर्नर है फागू चौहान, पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है गवर्नर है वीपी बदनोर, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के आधार पर। कहने का मतलब यह है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी करी गई, इसमें नंबर 1 भारतीय इंस्टीट्यूट कौन सा रहा। इसमें नंबर 1 इंस्टीट्यूट रहा IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। बेंगलोर को नंबर 1 पोजीशन मिली भारत में। नंबर 2 पे IIT इंदौर रहा भारत में और नंबर 3 पर IIT रोपड़ रहा भारत में। ओके, ध्यान रखिए जो अभी मैंने आपको बताया था वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये टाइम्स की हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, इस वाली लिस्ट में ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें केवल एशियन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है और वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी, उसमें पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया। तो उसकी अगर बात करें तो उसमें भारत में नंबर 1 पे IIM अहमदाबाद रहा और इसकी अगर बात करें तो टाइम्स वाली में IISc बेंगलोर रहा नंबर 1 पे। और एक चीज आपसे और पूछ सकता है, IISc बेंगलोर तो भारत में नंबर 1 पे रहा लेकिन अगर इस पूरे इंडेक्स में बात करें पूरे एशिया में कौन सा स्थान है IISc बेंगलोर का, तो इसको 37वीं रैंक मिली, 37th रैंक। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर IAS अधिकारी हैं 1990 बैच के, इनका नाम है आलोक कुमार, 1990 बैच के IAS अधिकारी, इनको अपॉइंट किया गया है त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी के रूप में। और इससे पहले ये अभी तक कार्यरत थे दिल्ली के अंदर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। तो अब इनका दिल्ली से ट्रांसफर हो रहा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में इस टाइम पर बिप्लब कुमार देब की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर रमेश बाईस। क्या नाम है? रमेश बाईस। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में राज्य के अंदर सभी लड़कियों को
33% का आरक्षण दिया है। तो ये है नीतीश कुमार की सरकार। बिहार सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि राज्य के अंदर जो भी बालिकाएं हैं उन सभी को 33% आरक्षण मिलेगा एजुकेशन में। लेकिन कहां पर यह आरक्षण मिलेगा, ये गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं हो रही है, ये मिलेगा इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में गर्ल्स को बिहार के अंदर 33% रिजर्वेशन सरकार दे रही है। साथ में यह भी अनाउंस किया गया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की सीटें बढ़ाई जाएंगी हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर बिहार में। यहाँ पे गवर्नर है फागु चौहान। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है द्रौपदी मुर्मू। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है जगदीप धनखड़। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है और गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सन हॉलो देखा गया भारत के कौन से शहर में? तो सन हॉलो को स्पॉट किया गया 2 जून के दिन। कब? 2 जून के दिन। कहां पर? हैदराबाद में। आपको ऐसे ध्यान रखना है, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना और तेलंगाना का स्थापना दिवस भी 2 जून को ही मनाया जाता है, उस दिन देखा गया सन हॉलो। अब समझिए यहां पर सन हॉलो होता क्या है। देखिए सूर्य आपको बीच में दिख रहा है, सूर्य के चारों तरफ आपको यहां पर 7 रंग दिख रहे हैं, जैसे कि इंद्रधनुष में होते हैं। ये पूरा आपको सर्कल दिख रहा है, गोला आपको दिख रहा है। इसे बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं सन हॉलो। आपको पता है ये सन हॉलो होता क्यों है? ये तब होता है जब सन के आसपास जो क्लाउड होते हैं, मतलब ये सूर्य है, सूर्य के आसपास जो बादल होंगे, इन बादलों में जमी हुई जो बर्फ है, वो बर्फ जब टूट के गिरती है तो ये जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं इन पर सन की रेस पड़ती है और जिसकी वजह से ये आसपास इस तरीके का हॉलो बन जाता है। ये पूरे उसी तरीके से कलर रखता है जैसे कि इंद्रधनुष में कलर होते हैं, ठीक है, रेनबो में। सो दैट कंडीशन इज नोन एज सन हॉलो, जिसको अभी देखा गया कहां पर? हैदराबाद में देखा गया। ज्यादातर ये मानसून के टाइम पीरियड पर ही आपको दिखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मानसून के टाइम पीरियड पे पहले देखिए ठंड जा चुकी होती है, ऊपर बर्फ जमी होती है, ठीक है, कई बार बादलों में आइस क्रिस्टल्स होते हैं और जब सूर्य की रेज इस पर पड़ती है तो गर्मी की वजह से वो पिघलती है और पिघल के नीचे गिरती है। जब नीचे गिरती है तो सन रेज इस पर पड़ रही होती हैं और जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है सन हॉलो। तो ये कहाँ देखा गया? हैदराबाद में देखा गया, ध्यान रखिएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप मैक्सिमम ऑफर ले सकते हो वरुण 777 कोड से। इस कोड के यूज से आप UPSC, स्टेट PSC, FCAT, CDS किसी के भी सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कर सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।